आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। जहां शासन के द्वारा करोड़ों रुपए नए सड़कों के निर्माण में खर्च किए जा रहे हैं, वहीं तखतपुर क्षेत्र के कुछ ग्राम सड़कों के मामले में पीछे रह गए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला तखतपुर से लगे मोढ़े ग्राम में। सड़क के नाम पर यहां सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। स्थिति ये है कि यदि किसी बच्चे को इस गड्ढे में खड़ा कर दिया जाए तो वो बच्चा डूब जाएगा। तखतपुर से मोढ़े गाँव मार्ग, इस मार्ग से छिरहा पचबहरा होते हुए मुंगेली जिले के अमोरा लाटा सरगांव तक पहुंचा जा सकता है, पर कई वर्षों से यहां सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण यहां की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। इस गड्ढे नुमा सड़क से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों के द्वारा सड़क निर्माण का आवेदन पीडब्ल्यूडी विभाग में दिया जा चुका है, पर विभाग के द्वारा कोई भी सार्थक प्रयास आज तक नहीं किया जा सका। ग्राम सरपंच प्रमोद निर्मलकर का कहना है, सड़क खराब होने के कारण यहां के स्कूली शिक्षक अपना तबादला कहीं और करा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि एक खराब सड़क के चलते बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पीडब्ल्यूडी रोड जो बना हुआ है उसका समस्या लगातार चल रहा है, और वहाँ हम लोग आवेदन दिए हैं, विधायक जी को दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, इस रोड को जल्दी से मरम्मत कार्य करा दे ताकि स्कूल में आने जाने वाले सभी बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं और इधर से जो और हमारे गांव हैं, इधर दो चार गांव जुड़े हैं इस रोड से, उनको बहुत समस्या हो रहे हैं। और हम लगातार विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं, और वो भी आए थे और इसका नाप जो करवा कर ले गए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको, इस समस्याओं को सबसे आगे देखते हुए इनको कराने की मांग कर रहे हैं। तो अनुरोध है हमारे विधायक जी और शासन से कि इसको तत्काल इसका निराकरण करके इनको बनाने की महान कृपा करें। और अभी हम लोग के टीचर जो आ रहे हैं, इन समस्याओं के चलते यहाँ से ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, तो यहाँ टीचर का भी कमी होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि बच्चे लोग का जो पढ़ाई में बाधा आ रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं जितना भी शासन प्रशासन अनुरोध करना चाहूँगा कि समस्याओं को तत्काल निराकरण करने की कोशिश करें। इस गांव में हाई स्कूल है। यहां की शिक्षिका का कहना है कि हमें इस स्कूल में आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तनवीर खान है ना, यहां का रोड का बहुत प्रॉब्लम है, गड्ढा है पूरा, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है स्कूल आने जाने में, है ना, बाकी लोगों को भी होता है, इसके कारण हम लोग स्कूल बहुत लेट पहुँच पाते हैं। 10-15 मिनट तो यहां से लग जाता है, हम लोग बिलासपुर से आते हैं, 15-20 मिनट आधा इस रोड में गड्ढा में ऐसे वैसे होके निकलते हैं। समस्या है, उसको लेकर सभी युवा लोग आए थे और अभी चले गए हैं इधर से। और ये जो मुख्य WBM का जो रोड है, इसकी दशा इतनी दयनीय हो गया है कि इतना गड्ढा जो है, एक बच्चा डूब जाएगा जगह जगह। और बहुत समस्या है, ये पीछे देख रहे हैं इस गड्ढा को, यहाँ से छात्र लोग पढ़ने जाती है कन्याशाला, कई जगह ऑटो पलट जा रहा है, साइकिल में जा रही है, कि अभी उन लोग का आइडिया भी नहीं है चलाने के लिए, गिर जा रही है। इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्या इस रोड का। और हमारे विधायक महोदय डॉक्टर रश्मि सिंह आशीष ठाकुर लगातार लगी हुई हैं इस रोड के लिए, लेकिन अभी जो है सुधार नहीं हो रहा है और समस्या बहुत ज़्यादा है, गिर जा रहे हैं। तो इससे पूरा जो पीछे के और गांव है, पचबहरा है, मोढ़े हैं, लिमही है, पिपरहट्टा है, उन लोग का भी आना जाना है। तो ये जो रोड है इसका समस्या बहुत ही ज़्यादा है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और मैं और क्या कहूँ, क्षेत्र के ग्रामीण जब भी दूसरे ग्राम पंचायतों में जाते हैं, वहां नए नए सड़क को देखते हैं, काफी दुखी होते हैं कि आखिर हमारे ग्राम के मोढ़े मार्ग में नई सड़क क्यों नहीं बन पा रही। हालांकि जनप्रतिनिधि भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही मोढ़े गांव पहुंच मार्ग को जीवन दान मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि नए सड़क का निर्माण इसी काल में होता है या अगली पंचवर्षीय के लिए इसे आश्वासन दे दिया जाता है। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।